कोविड-19 महामारी के बीच होली दहन का कार्यक्रम हर्षोल्लास से आयोजित किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस लाइन चौराहे के साथ ही अन्य स्थानों पर पारंपरिक रूप से होली की पूजा अर्चना की गई और ढोल नगाड़ों के बीच होलिका दहन किया गया। इस मौके पर आसपास के सभी क्षेत्रवासियों ने होलिका दहन पर बुराई पर अच्छाई का संकल्प लेते हुए कोरोना वायरस के खात्मे के लिए ईश्वर से कामना भी की। वहीं होलिका दहन के बाद ही अजमेर नगरी के बाशिंदों ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे और सभी में भाईचारा और सद्भाव बना रहे, इसकी भी दुआ की। अजमेर के अलग अलग इलाकों में होलिका दहन के बाद टोलियां होली का मजा लेने के उद्देश्य से और धूम पूजन के लिए निकल गई और सभी ने हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाया। वहीं इस मौके पर कोरोना वायरस गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है, जिससे कि इस महामारी के दौरान किसी को परेशानी न हो। बट प्रहलाद को बचाने के लिए होली का अपना दहन करके प्रहलाद जी को अलग निकाला जाता है। किस तरीके से पूजा की जाती है होली से? होली से पहले जैसे कुमकुम बाजरा वगैरह डाल के पूजा की जाती है, फिर होली को ठंडी की जाती है, फिर होली का होली पर आग लगाने के बाद बच्चों प्रहलाद को तो बाहर निकाल लिया जाता है और फिर होली का जलन जाती है। इंदु पवार पूजा पहले पूजा करते हैं, उसके अंदर होली जलती है, फिर प्रहलाद को बचाया जाता है, फिर प्रहलाद को पूजा जाता है और प्रहलाद को ठंडा किया जाता है और होलिका को जलाया जाता है। होली का दहन बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में की जाती है और आज हम सब ने लॉकडाउन कोरोना के पालना करते हुए उसकी गाइडलाइन का होली का त्यौहार मनाया है। मेरा नाम हर्ष कुमार है।